आपका क्वेश्चन है, अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्रीज, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास दो वाइपर्स है। सपोज कहां पर है वो, कार के ऊपर। तो कार में वाइपर्स कैसे होते हैं, एक तो ऐसे आता है इस साइड से, दूसरा इस साइड में है। ठीक है, जो वाइपर्स लगते हैं यहां से स्वीप करता है यहां तक, यानी कि 115 डिग्री। ठीक है, सपोज ये एक वाइपर है 115 डिग्रीज का जो स्वीप कर रहा है, ये वाइपर है, वाइपर इज ए एंड बी। यहां से स्वीप करेगा सी तक आएगा, है ना। दूसरा वाइपर क्या है, ये वाला है। ठीक है, ये स्वीप करेगा आपका यहां तक। दूसरा वाइपर हमारा है डी ई, और कहां तक आएगा वो, एफ तक। ठीक है, अब साथ में इसने क्या बोला है कि वो कितना एंगल बनाएगा, 115, 115 डिग्रीज। इधर भी सेम है 115 डिग्रीज, ये ओवरलैप नहीं हो रहे, यहां पर आके रुकते हैं फिर वापिस जा रहे हैं फिर आ रहे हैं। ठीक है, एक एक का लेंथ कितना है इसका वाइपर का, 25 सेंटीमीटर। तो ये हम यहां पर लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, क्या हो गया, ये यहां आ रहा है वापिस जा रहा है, एक सर्कल में एक जगह पे आ रहा है वापिस जा रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। अगर राउंड बनाओगे तो ये एक साइड का रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया हमारा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल कितना हो गया हमारा, 115, और टोटल एरिया निकालना है, यानी कि आपको यहां तक और दूसरा वाला ट्रायंगल का भी निकालना है। तो टोटल कितने डिग्रीज हो गए हमारे, टोटल कितने डिग्रीज हो गए हमारे, 100 π × 2, दैट इज इक्वल टू 230 डिग्रीज। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे। तो टोटल एरिया स्वीप्ड है ना, स्वीप किया है उसने, स्वीप्ड, तो टोटल एरिया स्वीप्ड तो कितना होगा हमारा, कितना होगा, कितना टोटल एंगल बना, 230 बाई, टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 360 डिग्रीज, है ना, इंटू 22 बाई 7, इंटू आर स्क्वायर कितना है हमारा, 25 × 25। ठीक है, इसको 2 से कट करेंगे ये आएगा हमारा 11, ये इसको 2 से कट करेंगे ये हमारा आएगा 1800 कट, है ना। और कुछ कट रहा है हमारा, शायद कुछ नहीं कट रहा है। तो हमारा आया 23 × 11 × 25 × 25 by 18 × 7, दैट इज इक्वल टू 25 × 25, 25 स्क्वायर कितना होता है हमारा, 625। तो है ना, 25 × 25 कितना होता है हमारा, 625 × 23
into 11, 23 into 11, कितना होता है हमारा 253, कितना होता है 253 by 7 into 18, 7 8 जा 56, 5 carry, 7 1 जा 7 plus 5, 126. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 625 into 253, कितना आ रहा है हमारा 625 into 253, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 1 carry, 6 plus 1, 7, है ना, 7 आ गया, 3 6, 18, 5 5 जा 25, 2 carry, 5 2 जा 10, 11 12, 1 carry, 30 31, फिर 2 से, 2 5 जा 10, 1 carry, 2 2 जा 4 plus 1 5, and 2 6 जा 12, कितना आ गया हमारा 5, 12 का 2, 1 carry, 1, फिर 5 plus 1 6, plus 1 7, plus 1 8, है ना, फिर 5 and 1, तो हमारा आया 1, 5, 8, 1, 2, 5, by 1, 26, क्या है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। आपका क्वेश्चन है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्रीज टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर्स, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, इसमें आपका पाई दे रखा है 3.14, ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा आपका, सपोज एक आपका लाइट हाउस है, तो सपोज ये आपका लाइट हाउस है ए एंड बी, ठीक है, तो लाइट हाउस में लाइट आपकी ए के पास लगी हुई है, ये एक रेड रे भेज रहा है यहां से यहां तक, ठीक है, ये एंगल बना रहा है आपका कितना, कितना बना रहा है ये 80 डिग्रीज, है ना, तो ये एक सेक्टर बन गया आपका, तो आपका, और साथ में इसने बोला कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 16.5 किलोमीटर्स, है ना, तो ये आपका कवर कर रहा है 16.5 किलोमीटर्स, है ना, यहां से यहां तक 16.5 हो जाएगा, ये आपका रेडियस भी हो गया, तो दिस इज इक्वल टू आर, है ना, एंगल आपका 80 डिग्री है। आपको पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, यानी कि सेक्टर का एरिया, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारा, टोटल एरिया वॉर्न, है ना, इज इक्वल टू कितना एंगल है 80 बाय 360 डिग्रीज, टोटल सर्कल का होता है 360 इनटू पाई, आपका कितना दे रखा है 3.14 इनटू किलोमीटर्स, आर कितना है हमारा 16.5 इनटू 16.5, ठीक है, हो गया, इसको कट करेंगे, ये कट हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका
2, ये 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है, इसको हम बाद में कट करेंगे, ठीक है, अब आपका आ गया 2 into 3.14 into 16.5 into 16.5 by 9, ठीक है, अब 16.5 और 9 कट सकते हैं हमारे, काटेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5.5, इसको भी काटेंगे, ये भी हमारा आ जाएगा 5.5, तो हमारा हो गया 2 into 3.14 into 5.5 into 5.5, ठीक है, इसको सॉल्व करो, 55 into 55, मेरे हिसाब से 3025 आता है, फिर भी हम करके देखते हैं, 55 into 55, 5 5 जा 25, 2 carry 27, ठीक है, 5 5 जा 25, 2 carry 25 27, तो हमारा आया 5 2 0 3, तो 30.25, तो हमारा आया 30.25 into 2 into 3.14, ये आएगा हमारा 6.28, इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम 628 से, तो हमारा कितना आएगा 30.25 into 6.28, मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 4 carry 8 2 जा 16 plus 4 20 8 3 जा 24, फिर 2 से 2 5 जा 10, 1 carry 2 2 जा 4 plus 1 5 2 0 जा 0 2 3 जा 6, ठीक है, 6 5 जा 30, 3 carry 12 plus 3 15, 6 3 जा 18, 0 0 7 9 9 8 1, ठीक है, तो हमारा आया है 1 8 9 9 7 0 0, पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हमारा आ गया है कितना आ गया है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर है 6 equal design इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 per cm², √3 आपका दिया गया है 1.7, ठीक है, सपोज आपका एक टेबल है जिसके 6 equal designs है, 1 2 3 4 5 6, सपोज ये आप सेंटर इज ओ, ठीक है, हो गया, अब और सब डिजाइंस जो है वो सब इक्वल है, 6 के 6 equal है, आपको पूछा गया है कि ये डिजाइन जो है यानी ये वाले और ये वाले जो आउटर में हल्का सा डिजाइन बना हुआ है, ये वाला ये वाला ये और ये, ठीक है, इसका एरिया क्या है,
और इसका रेट अगर कैलकुलेट करते हैं 0.35 रुपीज से पर सेंटीमीटर स्क्वायर से तो क्या आएगा? तो ये कैसे बनता है हमारा? सपोज एक पार्ट हम लेते हैं तो इट विल कम जस्ट लाइक दिस, ठीक है? ये डिजाइन है इस टाइप का, यानी एक सेक्टर बनेगा, सेक्टर में एक सेगमेंट, यानी सेगमेंट का एरिया निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कितना होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो 6 पार्ट्स में बांटा गया, यानी 360 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या आएगा हमारा? 360 डिवाइडेड बाय 6 यानी 60 डिग्रीज, 60 बाई 360, ठीक है? इनटू पाई कितना है हमारा? 22 बाई 7, कुछ भी नहीं दिया है तो 22 बाई 7। इनटू आर कितना आएगा हमारा? आर कितना है? 28 सेंटीमीटर, है ना? 28 सेंटीमीटर, तो 28 इनटू 28 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने आपको बताया था क्या था वो? साइन 60 बाई 2, कॉस 60 बाई 2, फिर साइड स्क्वायर यानी इनटू 28 इनटू 28, ठीक है? अब हम इसको कट करेंगे, कट करें तो 1 बाई 6, ठीक है? 1 बाई 6। अभी हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम दोनों में जो इक्वल है वो ले लेते हैं, यानी कॉमन। तो 28 इंटू 28, मुझे थोड़ा सा कॉमन लग रहा है, ये हम पहले ले लेते हैं। 1 बाई 6 इंटू 22 बाई 7 माइनस, अब साइन 30 डिग्री, 60 बाई 2 यानी टाइम साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 कितना होता है हमारा? 1 बाई 2 इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है हमारा? कॉस 60 डिग्री √3/2, कॉमन है, बाकी पहले हमने ले रखा है। अब ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं हम, ठीक है? ये 3 से कट गया, 2 से कट गया तो 3 आ गया, ये 11 आ गया, ठीक है? ये 21 हो गया, ये 4 हो गया। तो अब हम इसको करके देखते हैं तो कितना आएगा हमारा? 28 इंटू 28, ये ब्रैकेट के अंदर 11/21 माइनस √3/4, ठीक है? √3/4, 21 एंड 4 का एलसीएम कितना होता है? 21 एंड 4 का एलसीएम मेरे हिसाब से होता है 84, ठीक है? दैट इज इक्वल टू 28 इंटू 28, ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा 4 इंटू 11 माइनस 21 इंटू, अब हम √3 का वैल्यू डालेंगे 1.7, ब्रैकेट बंद करेंगे, बाई 84, ठीक है? 4 से कट करेंगे 84 और 28 को, कट करके देखते हैं, हमारा आएगा 2 1, ये आएगा 7, फिर ये 7 से कट रहा है, काट देंगे, हमारा आएगा 3, ठीक है?
अब हम सॉल्व करते जाएंगे आगे, तो हमारा क्या आएगा 28 ब्रैकेट के अंदर 44 माइनस 21 इंटू 17 करके देखते हैं हम। 21 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 वन जा 7 एंड 14, फिर 1 2 7 5 3, तो हमारा आया 35.7.7, ठीक है, by 3, that is equal to 44 में से 35.7 निकालो, कितना आ रहा है, 45 में से 35.7 माइनस करो तो हमारा आएगा 0.3, यहां पर बचा 4, 5 या 9.3, तो आया हमारा 28 इंटू 9.3 बाय 3, ठीक है। इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 को, देखते हैं क्या आता है, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 9 जा 72 प्लस 2 74, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 4 0 1 कैरी, 16 1 कैरी, 2 6 0 4 यानी 260.4, ठीक है, तो हमारा आएगा 260.4 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा एक छोटा सा डिजाइन निकला, ठीक है। अब हम करेंगे एक, सिर्फ एक ही डिजाइन निकला ये वाला, लेकिन ये हमारे पास कितने हैं, 6 हैं, तो हम इसको करेंगे इनटू 6, 3 से ये कट गया 2, तो आपका कितना बचा, इनटू 2 करो इसको, आपका कितना आएगा, पीछे से शुरू करते हैं, 8 0 12 का 2 1 कैरी 5 20.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट निकालेंगे, जो हमारा 6 डिजाइंस का ये निकला, क्या निकला, एरिया ये है, ठीक है। अभी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया 520.8 इंटू रेट क्या दिया हुआ है आपका 0.35, तो ये हमारा है 0.35, दैट इज इक्वल टू, ये कितना निकलता है मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 520.8 इंटू 0.35, 5 8 जा 40, ठीक है, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 0 8 2 12 1 carry 8 1 2 3, यहां पर आया हमारा, तो हमारा वैल्यू आया 182.28, है ना। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट निकला, और ये हमारा किस में होगा,
रुपीस में, तो इसलिए हम लिखेंगे रुपीस 182.28, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल टी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस विथ सॉरी दो बार हो गया है विथ रेडियस आर इज। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ए पी बाई 180 इंटू 2 पाई आर, बी दिया गया है आपका पी बाई 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, सी दिया गया है आपका पी बाई 360 इंटू 2 पाई आर, डी दिया गया है आपका पी बाई 720 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या पूछा गया है, यहां पर एरिया पूछा गया है, सर्कमफ्रेंस नहीं। ठीक है, जहां पर सर्कमफ्रेंस होगा वहां पर हम सर्कमफ्रेंस देखेंगे, यहां पर एरिया पूछा गया है तो एरिया चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई बाय एरिया 2 पाई आर क्या होता है सर्कमफ्रेंस, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर दूसरा पी बाई 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया है, देयर मे बी चांसेस। सी का देखेंगे पी बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर फिर ये सर्कमफ्रेंस आ गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये और ये दो ऑप्शन है आपके। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया था एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, जिस सेक्टर का एंगल निकालने के लिए बोलेगा वो एंगल निकालना, हमारा एंगल पी है, पी बाई टोटल सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा 360 डिग्रीज, टोटल एंगल्स कितने होते हैं हमारे 360 डिग्री, तो पी बाई 360, तो यहां पर पी बाई 180 है सिर्फ, तो एक चांस ये है। दूसरा पाई और रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहां पर पी है, यहां 180 है, यहां पर 360 है और पाई आर स्क्वायर सेम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हम इसको कट करेंगे, ऑप्शन हमारा बचता है सिर्फ डी। डी कैसे आया है, पी बाई 720 लिखा है तो, लेकिन यहां पर क्या है हमारा 360, लेकिन यहां पर क्या किया इसने पाई आर स्क्वायर तो सेम रखा 2 रख दिया, तो 2 को हम कट करेंगे 1 आएगा, ये कट होगा तो 360 आ जाएगा, तो अब हमारा ये और ये इक्वल हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।